सो हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये देखो तुम्हारे बाइक में नहीं है क्या बटन? दूसरे के बाइक का बटन दबा रहे हो। आज अपने फ्रेम पे है एकदम नई बाइक निंजा 300 जो बिलोंग करती है वीरू भाई को। ये देखो बाइक की धज्जियाँ कैसे उड़ानी ना वो ये लोग को आता है। तो आज अपन निकले एकदम नाइट राइड पे। मैं हूँ, मेरे पीछे बैठा है वीरू जिसकी बाइक है। इधर है प्रेम भाई और तुषार भाई डोमिनार पे, क्योंकि प्रेम भाई ये संडे को राइड करने नहीं वाले। ये लोग बिना मस्ती के प्रेम भाई रहेंगे नहीं। चलो अभी मस्ती बंद कर दे और चलते सीधा जहाँ पे अपने को जाना है टाउन में। तो एक्चुअली ये बाइक का जब डिलीवरी लिया था तो इसका बहुत मस्त वीडियो बनाया था मैंने, बट उसमें प्रॉब्लम ये हो गया था कि उसी दिन से मेरा माइक एडेप्टर ख़राब हो गया था और कुछ भी रिकॉर्ड नहीं हुआ था। वॉइस वीडियो क्लिप्स काफ़ी सारे रिकॉर्ड हुए थे। तो उस दिन वीडियो क्लिप्स काफ़ी सारे रिकॉर्ड हो गए थे, पर मेरा माइक एडेप्टर ख़राब होने की वजह से मेरा कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ, एक भी क्लिप में ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। इसके लिए फिर वो वीडियो मैं डाल नहीं पाया बिल्कुल भी। और वो इतना अच्छा वीडियो था ना, उसमें पूरा वीरू के डैडी के एक्सप्रेशंस, वीरू के डैडी के फीलिंग्स, बट बैड लक कि अपना कुछ भी ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ। पर ठीक है, अभी उसको ज़्यादा नहीं याद करेंगे अपन, और अभी आज स्टार्ट करते न्यू वीडियो। इस वीडियो में अपन सारी बातें करेंगे। और काफ़ी दिन से मैं और वीरू डिसाइड कर रहे थे नाइट राइड पे जाना है, और मैंने 800 इसके लिए नहीं निकाला क्योंकि मेरे को इस पर वीडियो बनाना था। इसके लिए आज मैंने 800 नहीं निकाला, और तुषार भाई ने भी डोमिनार इसके लिए नहीं निकाला क्योंकि वो बोले कि ठीक है अभी अपन चार ही लोग जा रहे, तो तुम तो जा रहे हो पिलियन के साथ तो मैं भी जाता हूँ प्रेम भाई के साथ। फिर हमने डिसाइड किया कि हम चलो दो ही बाइक लेके जाएंगे। जिस दिन बाइक का डिलीवरी लिया था उस दिन भी पूरा बाइक मैंने ही चलाया था क्योंकि वीरू को बाइक चलाने आता नहीं था। पर मीरा रोड जाने के बाद मैंने वीरू को बहुत गुस्सा करके बोला था कि नहीं अब तेरा बाइक है तू ही चला, हाईवे तक करके मैंने चलाया। उसके बाद वीरू को जितना भी आता था बाइक चलाना वीरू ने चलाया बहुत अच्छे से। बस पार्किंग में जाते वक्त एक प्रॉब्लम हो गया कि यहाँ पे एक स्क्रैच लग गया है जिससे थोड़ा सा पेंट निकल गया है, पर कोई बात नहीं, अभी जल्दी जल्दी इस बाइक को अपन दे देंगे सिरामिक कोटिंग के लिए। देखो जब नाइट राइड का प्लान बनता है ना तो अपने पास एक ही सबसे अच्छा स्पॉट है, वो है बांद्रा रिक्लेमेशन, और ज़्यादा से ज़्यादा उससे आगे अपन जा सकते हैं वो है टाउन। अभी रिक्लेमेशन तक जाते फिर डिसाइड करते हैं कि आगे चलना है कि नहीं, क्योंकि तुषार भाई को तो सुबह सुबह काम रहता है, वो चले जाते हैं अपने जिम पे सुबह 5 बजे, सो उनका नींद वेस्ट करके कुछ भी मतलब नहीं है। मैं और प्रेम भाई थोड़े वेले हो गए अभी, तो हम लोग लेट आएंगे तो भी चलेगा, पर ऐसा कर नहीं सकते। बात करेंगे तुषार भाई से वहाँ जाने के बाद, अगर तुषार भाई बोलेंगे कि हाँ चलो चल सकते हैं टाउन तो टाउन जाके आएंगे। बाकी अभी दिखाते हैं आपको रात को अपनी मुंबई कितनी प्यारी लगती है। तो बस ये पहुँच गए अपन वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे, और ये देखो सुपर चार्ज इंजन चालू हो गया इनका।
मैंने 300 चलाने का क्या फील आ रहा है ना, बस एकदम स्मूथ चल रहा है, जैसा उस दिन डिलीवरी वाले दिन चल रहा था वैसे एकदम स्मूथ चल रहा है। अभी तो ठीक है, ज़्यादा कुछ किलोमीटर चला भी नहीं है, 421 किलोमीटर चला है खाली बिल, मतलब ये तो कुछ भी नहीं है। बाइक लेके तो 10-12 दिन हो गए, बट जो इसका फीलिंग है ना चलाने का, और निंजा 300 तो आपको मालूम है कितने सारे लोग की फेवरेट बाइक है। परवा भाई बिग फैन, आपको वीडियो में देखा था भाई, वीडियो में देखा था आपको। हाँ भाई मैंने वही वीडियो में देखा था, बिग फैन भाई। चलो रिक्लेमेशन, चलो चलो तो बस इधर अपने को मिल गया है परवा, ये भी चल रहे अपने साथ में रिक्लेमेशन। तो एक मेंबर और जुड़ गया है, यानी एक जोड़ी जुड़ गई, वो लोग भी दो लोग हैं एक बाइक पे, अपन भी दो बाइक पे, चार लोग हैं। और ये क्या हो गया, हल्की फुल्की बारिश स्टार्ट हो गई यार, ये हल्की सी भी बारिश चालू होती है ना अपना पूरा राइड करने का मूड खराब हो जाता है। और ये सबसे घटिया फ्लाईओवर है हमारे मुंबई का, वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का, इधर इतने खड्डे है ना पूछो मत। मुंबई जैसे सिटी में अगर घूमने के लिए बाइक चाहिए ना सिटी के अंदर, तो मैक्सिमम 250cc या 300cc, 300cc में सबसे बेस्ट बाइक है ये, और 250cc में सबसे बेस्ट बाइक है जिक्सर। ये दो बाइक रहे ना तो मज़ा आ जाता है सिटी में घूमने के लिए, और डेफिनेटली डोमिनार 400 भी। ऐसी सारी बाइक होना तो सिटी के अंदर घूमने का मज़ा ही आ जाता है, क्योंकि फुल पावर रहता है और ट्रैफिक में भी अपन अच्छे से हैंडल कर सकते हैं इसको। से वीरू मेरे को बोल रहा था कि उसको निंजा बाइक लेना है, 300 लेना है उसको। 2017 से वो ना रोज़ जब भी हम मिलते थे तभी रोज़ यही बात करता था कि देख ये बाइक है, ऐसा बाइक है, ये लेना है मुझे हमेशा। और मैंने तो वीरू का फुल स्ट्रगल देखा है, क्योंकि हम तो रोज़ ही मिलते थे, रोज़ साथ में ही रहते थे। जब लॉकडाउन हुआ था तो मैं और वीरू जाते थे पूरा ट्रक भर के फ्रूट बेचने के लिए, तो वो सारे स्ट्रगल वाले दिन तो हमको याद है। फिर उसके बाद ही हम लोग दोनों ने भी बाइक्स लिए, मैंने थोड़ी पहले ले ली क्योंकि मैंने सेकेंड हैंड ली बाइक, और वीरू भाई ने तो उनका तो पहले से ही था कि नहीं भाई मुझे तो नया ही लेना है चाहे कुछ भी हो जाए। इनफैक्ट वीरू भाई को तो बाइक चलाने भी नहीं आता था, यही बाइक ख़रीदने के बाद इसी के ऊपर वीरू सीखा है बाइक, वो भी एक दिन के अंदर अंदर, ज़्यादा दिन नहीं। और अभी ये 10 दिन में तो आज वीरू भाई इधर तक लेके आ गए बोरीवली तक, यानी हाईवे पे। क्या मज़ा आ रहा है ना नाइट में मुंबई में घूमने का, ना इतना मज़ा है ना, बस प्रॉब्लम है कि कहीं रुकने नहीं मिलता है ज़्यादा। जैसे मरीन ड्राइव हो गया वहाँ पे भी कॉप्स हटा देते हैं, बैंड स्टैंड हो गया वहाँ पे कभी कभी रुकने मिलता है, कार्टर रोड हो गया वहाँ पे भी सेम सीन है। और अभी देखते हैं कहाँ जाते हैं अपन, पहले तो जाएंगे रिक्लेमेशन, वहाँ जाएंगे थोड़ी देर रुकेंगे, फिर आगे डिसाइड करेंगे कि अब क्या करना है। जो भी रहेगा वीडियो में बने रहो, मज़ा तो आपको आएगा ही आएगा। अभी तो इस बाइक में बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना बाकी है, धीरे धीरे मॉडिफिकेशन करेंगे, बताते रहूँगा अपने वीडियो में। और ये अपन पहुँच गए रिक्लेमेशन, यहाँ पे अभी आगे कहीं पे प्रेम भाई रुके हुए रहेंगे अपने लिए, क्योंकि वो तो बहुत रफ्तार से आए, अपने पीछे है परवा भाई, देखते हैं कहाँ रुके हैं फ्रेंड भाई।
15 मिनट से कर रहे हो एक्टिंग, देख रहे हो लोग क्या एक्टिंग देख रहे हो? सिलेंडर निंजा 300 800 वाले राइडर है, बट तो भी मैं बोला हर संडे तुम लोग को पीछे छोड़ देता हूँ ना। अरे मैं बोला हर संडे तुम लोग को पीछे छोड़ देता हूँ। अरे हुकुम का इसका हमारे पास भी है भाई, वो तो बहुत मजा तो मजा है ना चलाने में। सुनो ना, इट्स ऑलवेज दीक्षण मेहता, विच एवर बाइक इट इज पीछे। बस 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 बस, चलो 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 चलो, बस 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 दोस्त, बस बस हाँ बस। ए ए डिका, ए ए राजा बेटा, ए क्यूट बॉय, वो लड़की लोग जो क्यूट बॉय व्यूट बॉय बोलते हैं ना, बस 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 प्रेम भाई बस। रुको मेरे को देवल को स्नैप भेजने दो भाई, देवल भाई का स्नैप भेज दो। अरे शिट, अपन भी स्लो ही तो आए। अपन बहुत स्लो आए, अपन ज्यादा स्लो आए ना, वो नॉर्मल स्पीड पे आ रहे हैं। ये तो दिया केस में वो लोगों का, देख सकते हो बैंड स्टैंड पे क्या क्राउड है ये टाइम पे भी। ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं डालूंगा, ये मैक्सिमम 8-10 मिनट का डाल दूंगा। तो क्या था कि देखने में भी मज़ा आए, क्योंकि ये नाइट में ज़्यादा चीज़ें दिखाने को होती नहीं कैमरा से, नाइट में एंजॉय करने को मज़ा आता है। ना ये ऐसे भगा रही है। मुन्ना किधर है? इधर भी हम लोग ने बूस्ट पिया, अभी यहाँ से फिर चल रहे आगे, और अभी डिसाइड किया सीधा हाईवे पकड़ के घर जाएंगे आज, क्योंकि आज प्रेम भाई के पास क्या है थोड़ा भगाने वाला है ना। हम लोग सब जा रहे हैं अपने अपने घर पे, तो इस वीडियो का भी मैं यहीं पे एंड कर देता हूँ। अगर अच्छा लगा तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मेरे चैनल को, और फिर मिलेंगे अपन अच्छे से वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। और इसमें क्या क्या मॉडिफिकेशन चाहिए आपको, आप मुझे बताओ, हम लोग करके अपने यूट्यूब चैनल पर बताते रहेंगे। तो अभी हम लोग इधर खड़े हैं, कब से प्रेम भाई आए नहीं अभी तक, और अभी आएगा उनको गुस्सा, क्योंकि वो हार गए आज वापस से, दो बार हारे बैक टू बैक आया वाइट लाइट। मतलब अभी जानबूझ के स्लो स्लो आएंगे। वो अभी तुषार भाई को दे दिया चलाने के लिए, अभी बोलेंगे कि ड्राइवर चेंज हो गया था ये वो। आज प्रूफ हो गया, हाँ चालू, हाँ बस मैं वही इंतजार कर रहा था कि प्रेम भाई बहाना देना चालू कब करेंगे। नहीं नहीं बस बस बोलो बोलो,
डोमिनोज को कितना भी लोग ऐसा लूजर चॉइस, कोई कुछ भी बोले लूजर चॉइस, आज बेचारे को लोग को दिखा दिया 800 चलाओ कि 1000 चलाओ, 300 400 सीसी भाई हार जाता है डोमिनर। तो मेरे को बेचारा नहीं, पर तुमको ऐसे क्यों बुरा, एक मिनट बुरा क्यों लग रहा है अगर हार गए तो? पर मैं हारा ही नहीं हूँ भाई। हाँ तो वो तो क्लिप में आएगा, आपको भेजा जाएगा। वो जैसा एक संडे राइड का हुआ ना, सुनो सुनो, आप कैमरे में बोल रहे हो मेरी बात सुनो। दो क्लिप देखना जिधर रिक्लेमेशन से आगे बैंड्रा तक कौन सीधे रोड पे रेस जीता है, बाकी ट्रैफिक में मैं स्लो ही चलाता हूँ, मैं कभी फास्ट चलाता हूँ। और यहाँ से उधर तक जाने का वापस स्ट्रेट रोड का पैथ देख लेना, आप खुद समझ जाओगे। बाकी तो समझदार को इशारा काफी, बाकी सब घर पे। हारने ये है ना, ये जो तुमने बोल के ऐसा भागे ना, उससे जनता समझ जाएगी कि कौन हारा है कौन जीता है। अभी पूरा भाग गए इधर से बोलते।